तारानी की तरह उतिराई रहे। और राम जी सोच रहे कि जो नलनील ने पत्थर को फेंका ना वो नाय की तरह तैर रहा है, लेकिन जो मेरे हाथ से पत्थर छूटा वो डूब क्यों गया। कि नलनील के पाथर सागरों में और तारानी की तरह उतिराई रहे। खुद फेंके तो डूब गई कंकड़ी और रघुनाथ खड़े सकुचाई रहे। और राम जी अब संकोच में पड़ गए कि हमारे हाथ से पत्थर डूब क्यों गया। जब सोचने लगे राम जी ना, तो फिर राम जी ने सोचा कि थोड़ा इधर उधर देखूं, पहले कोई देखा तो नहीं। और जब राम जी ने इधर उधर देखा ना, तो हमारे हनुमान जी महाराज खड़े थे। कि पाछे घूमे रघुनंदन जू तो हनुमान खड़े मुस्कुराई रहे। जब राम जी पीछे देखे ना, तो हमारे हनुमान जी महाराज मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उस समय राम जी ने कहा कि हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं। उस समय हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं तो सब कुछ देख लिया। उस समय राम जी ने कहा जब हनुमान तुम सब कुछ देख ही लिए हो तो एक बात बताओ कि रावण ने हमारा सौगंध खा करके पत्थर को फेंका, पत्थर तैर गया। नलनील ने मेरा नाम लिख करके पत्थर को फेंका, पत्थर तैर गया हनुमान। लेकिन बात क्या है कि हमारे हाथ से पत्थर डूब गया। क्या बात है हनुमान कि हमारे हाथ से क्यों पत्थर डूब गया। उस समय हनुमान जी ने कहा प्रभु आपको सब कुछ पता है। इस भाव सागर में आपका नाम लेकर के किसी को फेंक दिया जाएगा उसका तो तरण तारण हो सकता है, लेकिन जिसको प्रभु आप स्वयं अपने हाथ से उठा करके फेंक दोगे वो तो फिर डूब ही जाएगा। उसको फिर बचाने वाला कौन है। जिसको प्रभु आप अपने हाथ से स्वयं छोड़ दोगे उसको फिर दुनिया